हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि V380 Pro के किसी भी कैमरे को आप मल्टीपल फोन्स में कैसे देख सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपका ब्रदर हुआ या आपकी वाइफ हुई, जो भी फैमिली मेंबर हुआ, वो भी अपने फ़ोन में कैमरे को देख सकता है। कोई भी देख सकता है, एक ही कैमरे को किसी भी फ़ोन में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले कन्फिगरेशन कर लेते हैं। कन्फिगर करना आता है या फिर नहीं भी आता तो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो कन्फिगर करने के लिए आपका मेन स्टेप यही होगा, सबसे पहले आपके फ़ोन के वाईफाई और लोकेशन को आपको ऑन कर लेना है। और मैं आपको जो बता दूं, मेरे फ़ोन में जो V380 Pro ऐप डाउनलोड है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड लॉगिन है। अगर आपको रजिस्टर्ड लॉगिन करना सीखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो V380 Pro डाउनलोड कर लीजिए, देन उसके बाद ऐड डिवाइस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऑप्शन आएगा कांट फाइंड द QR कोड, इस पर क्लिक कीजिए। देन ऊपर क्लिक करना है वाईफाई स्मार्ट कैमरा, देन AP हॉटस्पॉट कनेक्शन। देन उसके बाद आपके घर का जो भी राउटर वाईफाई है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, उसके पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। देन इसकी कैमरे की MVID यहाँ पर शो होगी, उसको यहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेना है। देन अलाउ वंस पर क्लिक करना है। देन कन्फिगेशन स्टार्ट होने लगेगी आपके कैमरे की, देन थोड़ी देर वेट कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, देखिए कन्फिगर हो गया। ऑफिस सिलेक्ट की फिनिश पर क्लिक कीजिए, देन इस पर दोबारा क्लिक कीजिए। सेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा तो इसमें लिखना admin@123 एंड admin@123, दोनों में सेम पासवर्ड आपको लिखना है। देन जो एडमिन का ए है वो हमेशा कैपिटल लेटर में रखिएगा, दोबारा admin@123, देन कन्फर्म कर दीजिए। देन आपका कैमरा इजिली कन्फिगर हो गया है, ये रहा। तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, कन्फिगर तो आपने कर लिया कैमरे को, आपको इसमें पासवर्ड और सेट करना है। तो देखिए अभी मैं मूव करके दिखा रहा हूँ, आज अच्छी तरह कन्फिगर हो गया कैमरा आपका, ये रहा। तो बैक जाइए, 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए सामने की तरफ ऊपर, देन सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। देन ऑप्शन आएगा पासवर्ड का, तो यहाँ पे आपको जो भी पासवर्ड है वो लिख देना है, यहाँ पर ओरिजिनल पासवर्ड इसमें लिखिएगा जो भी आपको मन करे, और नीचे जो भी आपको स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पर सेट कर देना है, दोनों में सेम। देन कंफर्म कर दीजिए, देन पासवर्ड आपका सेट हो गया कैमरे का और कैमरा कन्फिगर भी हो गया। तो ये इस फोन में तो हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल फोन्स में आपको करके दिखाऊंगा, तो एक फ़ोन में मैंने आपको करके दिखा दिया ये कैमरा कैसे कन्फिगर होता है। अब चलते हैं अपने दूसरे फ़ोन की तरफ, तो कुछ नहीं करना, सेम ही प्रोसेस है। V380 Pro ऐप डाउनलोड कर देना है, रजिस्टर लॉगिन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को देखिए। देन डायरेक्ट चलते हैं ऐप की ओर, येरा V380 Pro, एंड मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड लॉगिन कर रखा है। देन दोबारा ऐड डिवाइस पर क्लिक कीजिए, व्हाइल यूजिंग द ऐप दोबारा क्लिक कीजिए इस पर, ऐड डिवाइस आईडी। देन नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड डिवाइस आईडी करके, तो आपको जो भी कैमरे के ऊपर डिवाइस आईडी है वो यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐड कर देते हैं हम डिवाइस आईडी। उसके बाद कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है और आपका कैमरा इजीली यहाँ पर कन्फिगर हो जाएगा। कोई भी एरिया चूज कीजिए एंड देन फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद दोबारा क्लिक कीजिए और जो भी आपने अभी पासवर्ड सेट किया था कन्फर्म करने से पहले, कन्फिगेशन करने से बाद में जो किया था वही पासवर्ड यहाँ पर ऐड कर लेना है। और इसका आपको ये जो पासवर्ड है हमेशा याद रखना है, कभी भी इस पासवर्ड को भूलिएगा मत। देन देखिए आपके दूसरे फोन में भी ये जो ऐप है, कैमरा जो है लॉगिन हो चुका है। तो दो फोन में हमने ये कन्फिगर करके दिखा दिया कैमरे को। अब चलते अपने तीसरे फोन की तरफ, तो वही V380 Pro ऐप को ओपन कर लेंगे, ऐड डिवाइस, दोबारा ऐड डिवाइस आईडी,
देन जो भी कैमरे के ऊपर डिवाइस आईडी है वो यहाँ पर ऐड कर लीजिए। मैं कर देता हूँ ये रही। देन उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कीजिए और दोबारा एरिया चूज कीजिए कोई भी और फिनिश पर क्लिक कीजिए। देन दोबारा टैप कीजिए और इसका जो भी पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगरेशन से बाद में सेट किया था वही पासवर्ड यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। जो पासवर्ड है इसका मेन है, कहीं भी इसे लिख के रख लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए आपके तीनों फ़ोनों में जो कैमरा है ये कन्फिगर हो गया है, आप मल्टीपल फोन्स में अब इस कैमरे को देख सकते हैं। तो फीचर्स थोड़े बता देता हूँ मैं। अगर जब आप एक फ़ोन में किसी भी फ़ोन में मूव करेंगे कैमरे को, तो जो दूसरे तीसरे फ़ोन में जिसमें भी लॉगिन हो रहा होगा ना कैमरा, उसमें भी वो मूव होने लगेगा। देखिए देन लाइट का ऑप्शन है, जैसे भी किसी भी एक फ़ोन में आप करेंगे, दो से तीसरे जो भी दोनों तीनों फ़ोन हैं उनमें लाइट ऑन ऑफ होने लगेगी। देखिए ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन है, जैसे एक फ़ोन में आप ब्लैक एंड वाइट करेंगे, जो भी दूसरे तीसरे फ़ोन है दोनों तीनों फ़ोनों में उनमें भी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। देखिए देन और ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन है एसडी एचडी का, जो बंदा देख रहा होगा सिंगल फ़ोन में उसके ही फ़ोन में एसडी एचडी होगा, वरना दूसरे तीसरे फ़ोन में नहीं होगा। और जो स्नैपशॉट का ऑप्शन है, टू वे इंटरकॉम है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, ये सारे एक ही फ़ोन में होंगे। देन पीटीजेड कलेब्रेशन का ऑप्शन है, तो इसमें तीनों फ़ोन में कैमरा मूव होगा। देखिए ये देखिए, तो काफ़ी मस्त फीचर्स थे। और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ और फीचर्स, तो आपको दोबारा मोर के ऑप्शन पर जाएंगे, एक इन्वर्जन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप इन्वर्जन पर क्लिक करेंगे तीनों फ़ोन में कैमरा की डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। देखिए हो गई ना। देन मोशन ट्रैक का ऑप्शन है, ये भी तीनों से दूसरे तीसरे तीनों फ़ोन में होगा। और ये सारे फीचर्स हैं जो आप मतलब एक फ़ोन में होंगे, सिंगल फ़ोन में होंगे, और जो अदर फीचर्स है वे तीनों फ़ोन में होंगे। देन अलार्म आप किसी भी सिंगल फ़ोन से ऑन कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स थे, आप इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। और कहीं भी किसी भी फैमिली मेम्बर कोई भी बाहर जाएगा, कोई भी अपने फ़ोन में से अपने घर में जो भी आपने कैमरा लगा रखा है उसको कहीं से भी देख सकता है, लाइव व्यू फ्रॉम एनीवेयर। देखिए तो काफ़ी। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आपको इसका जैसे मान लिया कि आपको इसका पासवर्ड चेंज करना है कैमरे का, तो दोबारा थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप इस कैमरे के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।